गणेश पर्व अंतर्गत गणेश विसर्जन की पूर्व तैयारी के भाग रूप आज म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल द्वारा नवलखी सहित हरेक कृत्रिम तालाबों की मुलाकात ली गई, जहां स्थल पर मुलाकात के दौरान कई व्यवस्था और आयोजन सुविधा बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देते हुए नागरिक वैसे गणेश भक्तों को भी नियम के मुताबिक और आयोजन के मुताबिक विसर्जन में सहयोग देने के लिए अनुरोध किया था। गणेश पर्व के दौरान आने वाले 10वें दिन के गणेश विसर्जन की पूर्व तैयारी के भाग रूप वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तंत्र सज्ज बना है, जहां आज म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल द्वारा नवलखी सहित तमाम कृत्रिम तालाबों की मुलाकात ली गई। यहां पर स्थल की मुलाकात लेने के साथ कई अव्यवस्था और असुविधाओं को पाते हुए यहां पर व्यवस्था तथा आयोजन बढ़ाने के लिए तंत्र को मार्गदर्शन दिया गया था। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 4 जोन में कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, तो वही इलोरा पार्क युवक मंडल द्वारा कृत्रिम मिनी तालाब भी बनाया गया है। गणेश जी की प्रतिमा की विसर्जन की पूर्व तैयारी के भाग रूप आज म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने कृत्रिम तालाब की मुलाकात ली थी, तो वही गणेश विसर्जन के दौरान पैदा न हो वैसी असुविधाओं को दूर करने के लिए लाइट की व्यवस्था तथा अनाउंसमेंट के लिए माइक की व्यवस्था रखने के लिए जरूरी सूचन दिए गए। गणेश पर्व के दौरान वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नागरिक वैसे गणेश भक्तों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए श्री जी के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब का निर्माण किया है, तो वही गणेश विसर्जन को शांतिपूर्ण तथा नियमों के अधीन संपन्न करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल सहित वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सत्ताधीशों द्वारा पूर्व तैयारी के भाग रूप विसर्जन के आयोजन को किया जा रहा है, जिसमें हरेक पंडाल को कौन से दिन कितने वक्त और कौन से तालाब पर विसर्जन करना चाहिए उस बारे में सूचना दी जाएगी। तो वहीं म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने गणेश मंडल के आयोजकों को नियम के अधीन और आयोजन के भाग रूप विसर्जन करने के लिए अनुरोध किया था। आज चार जोन में 4 कृत्रिम तालाब बनावामां आव्या छे अने तमाम तालाबों की मुलाकात लेवामां आवेल छे। कॉर्पोरेशन जुदा जुदा विभागों साथे संकलन करीने आ कामगीरी करवामां आवी रही छे। पाणी नी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट नी व्यवस्था, रोड रस्ता नी व्यवस्था, साफ सफाई नी व्यवस्था अने एमना साथे पुलिस अने वन विभाग आ बधा लोको साथे पण संकलन करीने आ कामगीरी करवामां आवी रही छे। आ वखते पुलिस तरफथी एक डिटेल प्लान बनावामां आवी रह्यो छे कि कयुं गणेश मंडल कई तारीखे केटला वाग्या विसर्जन करवानुं छे, जे दिवसे आ लोको विसर्जन करे छे एमनुं एक समग्र प्लान बनावामां आवी रह्युं छे। एटले आपना थकी लोकोने विनती करूं छूं कि आ प्लाननुं समुचित रीते पालन थाय अने कोविड-19 ની ગાઈડલાઈન સાથે ગણેશ વિસર્જનમાં લોકો તંત્રને પણ સાક્ષ્યકાર આપે।